फॉर स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन वन सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन थ्री और बाद में स्टेटमेंट्स। इसमें एक्सप्रेशन वन है वो इनिशियलाइजेशन है, एक्सप्रेशन टू कंडीशन है, एक्सप्रेशन थ्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। एक्सप्रेशन वन जो है ये इनिशियलाइजेशन है, कई बार हमें एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन करने हैं तो क्या वो हम कर सकते हैं। एक्सप्रेशन टू कंडीशन है, क्या एक से ज़्यादा कंडीशन से एक साथ लगा सकते हैं। एक्सप्रेशन थ्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो क्या एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक साथ कर सकते हैं। तो तीनों के ही आंसर हैं हाँ हम कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम देखें कंडीशन। तो कंडीशन के लिए एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो हम उनको एंड या लॉजिकल और इन स्टेटमेंट से ऐड करके कितनी भी कंडीशंस की एक कंडीशन बना सकते हैं, तो वो लिखना बहुत आसान है। बाद में हम देखें एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन थ्री। तो एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन थ्री हैं वो कोमा सेपरेटेड लिस्ट के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन वन की जगह हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उनको सेमीकोलन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेमीकोलन से सेपरेट होते ही नेक्स्ट कंडीशन कंडीशन ना हो रहा कि वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्सप्रेशन टू बन जाएगा, मतलब कंडीशन हो जाएगा, वो इनिशियलाइजेशन ना रह के कंडीशन बन जाएगा, इसलिए सेमीकोलन की बजाय उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं। इसी तरह से एक्सप्रेशन थ्री है उसमें भी हम एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख सकते हैं, सबको कोमा से सेपरेट कर देंगे। मतलब एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन थ्री सिंपल एक्सप्रेशंस ना होके ये कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकता है, और जितने भी एक्सप्रेशंस हैं सबको कोमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस के रूप में लिखना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है जिसमें सम को इनिशियलाइज किया जीरो से, नंबर डिक्लेयर किया, नंबर को लूप के अंदर टू से इनिशियलाइज किया है, नंबर लेस देन इक्वल टू 100 की कंडीशन लगाई है, नंबर में टू इंक्रीज कर रहे हैं, बाद में सम इक्वल टू सम प्लस नंबर लिख दिया, मतलब सम की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, टू सम में नंबर को ऐड कर रहे हैं और लास्ट में सम को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब सम है वो दो से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम, इवन संख्याओं का समेशन है, मतलब जो सम संख्याएं हैं 2 से 100 तक की 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, उनका समेशन है, उनका एडिशन है, उनका टोटल है। हम आगे देखें तो अब इसको हम कैसे चेंज करें। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं, ये फॉर लूप है इसको अलग से लिख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है सम प्लस इक्वल टू नंबर, ये इंक्रीमेंट है एक तरह का, तो इसको हम यहाँ लूप में ये सेकंड्स को सेमी कॉलन सेपरेटर उसके बाद में लिख सकते हैं, और ये लिखते ही ये लूप इस तरह से बन जाता है, सेमी कॉलन है इसको यहाँ लगा देते हैं। अब ये स्टेटमेंट बन गया, इस स्टेटमेंट को पुराने स्टेटमेंट की जगह लिख देते हैं। यदि ऐसा लिखते हैं तो ये प्रोग्राम वही काम करेगा जो पहले वाला प्रोग्राम कर रहा था। यहाँ पर ये हमने एक एक्सप्रेशन में कोमा सेपरेशन काम में लिया है, मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों ही इंक्रीमेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको कोमा से हमने सेपरेट कर दिया है। ये जो कोमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस हैं ये लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, मतलब सबसे पहले लेफ्ट वाले का इवोल्यूशन होगा उसके बाद में राइट वाले का, मतलब सबसे पहले जो गणना होगी वो लेफ्ट वाले की होगी उसके बाद में राइट वाले की, मतलब सम जो है उसमें पहले नंबर की वैल्यू ऐड होगी उसके बाद में नंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से जो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशंस हैं वो स्टैंडअलोन सी स्टेटमेंट की तरह काम करते हैं एक फोर की बॉडी में, मतलब सब अलग अलग तरह ऐसे अपना बिहेवियर रखते हैं। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग में जो फोर स्टेटमेंट है इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं, मतलब इन ये हम लिखें या ना लिखें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, इनको हम हटा भी सकते हैं, बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। जैसे हम एक्सप्रेशन वन को यदि नहीं लिखते हैं तो इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, हमें यदि कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं करना है तो हम ये लिखे बिना काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनिशियलाइजेशन बाहर कर सकते हैं, जैसे सम इक्वल टू जीरो किया, यहाँ नंबर इक्वल टू टू कर देते और इस एक्सप्रेशन को लिखे बिना काम निकाल लेते तो भी बात वही थी। इसी तरह से सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो कंडीशन है वो भी हम बिना लिखे काम चला सकते हैं, यदि वो हम नहीं लिखते हैं उसको हटा देते हैं कंडीशन को
तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू मानी जाएगी, मतलब लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। इसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यदि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम बॉडी में कर दें या कहीं और कंडीशन लगा, कहीं और से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो हमें यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इन कंडीशन, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट को ओमिट करते हैं, इनको छुपा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ सेमी कॉलन सेपरेटर्स हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे ही डिसाइड होगा कि एक्सप्रेशन कंप्लीट है या नहीं, स्टेटमेंट कंप्लीट है या नहीं है। ये पहला सेमी कॉलन मिलने का मतलब है उसे इनिशियलाइजेशन मिल चुका है, सेकेंड सेमी कॉलन मिलने का मतलब उसे कंडीशन और इंक्रीमेंट मिल चुका है। हम करके देखते हैं एक प्रोग्राम में। ये फोर स्टेटमेंट है जो इनिशियली हमने काम में लिया है। सम इक्वल टू जीरो किया, नंबर को डिक्लेयर किया, फोर नंबर इक्वल टू टू, नंबर पे कंडीशन लगा दी, नंबर प्लस इक्वल टू टू, सम प्लस इक्वल टू नंबर, बाद में सम को प्रिंट कर दिया। रन और कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, रन टोटल आ रहा है 2550। हम फिर से इस एग्जांपल को एडिट करते हैं, तो हम यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये लिख देते हैं और बाद में कॉमा सेपरेटर लगा देते हैं, यहाँ से इस कंडीशन को हटा देते हैं और ये सेमी कोलन यहाँ लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट, ये चेक करने के लिए हम जो ये कंडीशन है नंबर प्लस इक्वल टू टू, इसको पहले लिख देते हैं। नंबर प्लस इक्वल टू टू, बाद में कॉमा लगा देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, यहाँ ये आंसर चेंज हो गया, उत्तर बदल गया है, 2550 की बजाय 2650 हो गया है, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है। 100 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो 100 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है, अब पहले नंबर में 2 ऐड कर रहा है और सम की वैल्यू में बाद में चेंज कर रहा है, मतलब पहले नंबर इक्वल टू 2 है, कंडीशन यस कह रही है, नंबर की वैल्यू 4 कर रहा है और उसके बाद में सम में 4 ऐड कर रहा है, मतलब सम की वैल्यू पहले 2 से स्टार्ट होनी चाहिए थी जो 4 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट में नंबर इक्वल टू जब 100 है, कंडीशन यस ट्रू हो रही है, उसमें नंबर की वैल्यू 102 कर रहा है और सम में 102 ऐड हो रहा है। इस तरह से सम में से 2 कम ऐड हो रहा है और 102 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब टोटल 100 का डिफरेंस आ रहा है जो हमें आंसर में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये लिखना गलत है। हम इसको फिर से पुराने पैटर्न पे लिखते हैं, सम प्लस इक्वल टू नंबर से कॉमा और बाद में यहाँ से हटा देते हैं। इसके अलावा ये इनिशियलाइजेशन है सम इक्वल टू जीरो का, ये भी यहाँ करके देखते हैं, कॉमा सम इक्वल टू जीरो और चेक करते हैं, यहाँ ये सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं जिसमें इन सब को ओमिट कर दिया, तो सम इक्वल टू जीरो यहाँ कर देते हैं, नंबर इक्वल टू टू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से दोनों को हटा देते हैं, बाद में प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं सम इक्वल टू सम प्लस नंबर और नंबर प्लस इक्वल टू टू, और इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब चेक करते हैं,
प्रोग्राम कंपाइल हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम के, रन हो रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है।